प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है, कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर ही आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के तीन चार तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सोल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, तो ये सोल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सोल्यूशन है।